अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आबिद इस्माइल एक और स्टॉक के साथ हाजिर हुआ हूँ, टेलीकार्ड लिमिटेड। इसका मैंने पहले भी एनालिसिस किया था, जब इसके ये अपना जो इसका इनिशियल ब्रेकआउट है 950 इसी के अराउंड जा रहा था, और वहाँ पे इसने काफ़ी रेजिस्ट किया। तो उस वक्त मैंने कहा था अगर ये इसको ब्रेक करता है तो आने वाले दिनों में ये वापस 11 रुपये इवन जो है ये 12 रुपये 54 पैसे भी रिटेस्ट कर सकता है। तो अनफॉर्चुनेटली देखें यहाँ पर कई दफा रिटेस्ट किया लेकिन ब्रेकआउट नहीं मिल सका, तो इसकी चले इसको हम दोबारा से काफी इसकी जो रिक्वेस्ट आ रही थी तो दोबारा से इसको एनालिसिस कर लेते हैं। वैसे पहले इसको मैं एनालिसिस शेयर कर चुका हूँ, तो हम वीकली चार्ट लेंगे। अच्छा, वीकली चार्ट में सबसे पहले तो सीपीआर का लेवल देख लेते हैं कि नीचे की तरफ काफी श्रिंक हो रहा है, मतलब यहाँ पे कहीं पे भी ये जो है अपसाइड जो है हम देख सकते हैं, कहीं पर भी यहाँ पे ये सपोर्ट मिल सकती है इसको बिटवीन ये इसका जो मिडिल बैंड और लोअर बैंड है बिटवीन 746 टू 661, मतलब हम इसको राउंड फिगर में ले लें 7 रुपए 45 पैसे लेके 6 रुपए 61 पैसे तक ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो शार्प रिकवरी कहीं से भी आ सकती है, और इसको हम जरा ट्रेंड लाइन से भी समझ लेते हैं। ये हम यहाँ से ये मैंने लाइन चार्ट लिया हुआ है, ये ट्रेंड लाइन में आपकी जो इस वीक की नॉइज जो है ना वो क्लियर कर देता है, तो आपको ट्रेंड लाइन बनाने में आसानी हो जाती है। ये देखें, ये हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। ये हम मैंने ये लोअर उसका ले लिया है, लोअर साइड ट्रेंड लाइन का जो ना ये इसको इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट कहलाएगी, ठीक है। ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी हम ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस मैक्सिमम, ये ले लेते हैं। चलिए इसको भी हम ले लेते हैं, ठीक है, ये वाली जो है। अब आप देखें, अब हम आ जाते हैं कैंडल स्टिक की तरफ, अब आपको देखें समझ में आ जाएगा। देखें यहाँ ब्रेकआउट मिला ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का, और इसको देखें फिर निगेट किया दूसरी कैंडल ने, बेरिश कैंडल ने इसको निगेट किया, और ये फिर अगेन जो है इसने ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट थी इसकी 6 रुपए 60 पैसे समझ ले, 76 पैसे 60 पैसे इसको ब्रेक करके, और बहुत बड़ी वीक बनी यहाँ पे 6 रुपए 9 पैसे पे, लेकिन क्लोजिंग जो है उसी रेजिस्टेंस एरिया जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इस पे एरिया उस पे जो है इस एरिया में इसकी क्लोजिंग आई। फिर इसके बाद देखे हमने वापस अपसाइड मूवमेंट देखी, तकरीबन 968 का इसने हाई किया, वहाँ काफी कंसोलिडेट किया, और इसके बाद फिर ये डाउन साइड पे हमने इसको विटनेस किया। अब करंट सिचुएशन में देखें तो एक तो यहाँ पे ये एक तरह से समझ लें सिमेट्रिकल ट्राइंगल ही इसको हम ले लेते हैं एक्चुअली। वैसे तो ये अगर ये सीधा होता तो डिसेंडिंग ट्राइंगल होता, लेकिन ये हम इसको सिमेट्रिकली लेंगे तो अपवर्ड भी ये मूवमेंट दिखा रहा है। तो ये तो हमने लॉन्गर टाइम फ्रेम में जो आपको बता दिया, हायर टाइम फ्रेम में। अब मैं आपको इसके एक छोटा सा और भी बता दूं, यहाँ पे ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस यहाँ पर भी मिल रही है हमको, हम उसको भी यहाँ पे ले लेते हैं ये एरिया, ये एरिया जो है इसको हम ले लेते हैं, ठीक है, इसको भी हम इससे समझ लें। देखें यहां पर भी हमने काफी रेजिस्टेंस देखी, यहाँ पे ये सपोर्ट एरिया बन गया था, फिर ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, अब ये फिर वापस अपने ट्रेंड लाइन सपोर्ट की तरफ आ गया है। तो अभी हम इस वक्त देखें तो ये एक एक तरह से ये इलियट वेव का जो आपका जो पैटर्न है वो बना रहा है, जैसे ये हुआ ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह से ये चल रहा है। तो नीचे की साइड में जाहिर सी बात है अगर ब्रेकआउट होता है तो ये काफी यही वापस इसको दोबारा रिटेस्ट कर सकता है, लेकिन अभी तक हमने इसको देखा नहीं है रिटेस्ट करते हुए, ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पे ही चल रहा है। तो इसी ट्रेंड लाइन में अगर हम देखें तो ये अच्छा मूवमेंट यहाँ तक बहुत अच्छी मूवमेंट देता है, ठीक है। तो अभी भी हम इसको यहाँ तक वैसे तो देखें इसने इसको ब्रेक किया है, वीकली पे देखें यहाँ पे इसने ब्रेक किया है और यहाँ क्लोजिंग आई है, तो थोड़ा यहाँ से जरा कॉशियस होके काम करें। अगर लेना हो तो आपको मैं आपको बता दूं जो इसके एरिया है अभी सपोर्ट का, यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं जिस तरह आपने इसने वीक बनाई है इसकी नेक लाइन सपोर्ट, ये बेरिश कैंडल की नेकलाइन सपोर्ट है ये, ठीक है, ये यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ,
7 रुपए 1 पैसे के अराउंड, और उसने मेरे ख्याल से लो किया है 6.97, ठीक है, 6 रुपए 97 पैसे का लो किया है, तो ये भी एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, 6 रुपए 60 पैसे 61 पैसे ये वाला, ये भी मैं यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन बना देता हूँ, ये 54 पैसे तक आप इसको ले सकते हैं, यहाँ पे विक बन सकती है, जैसे पहले भी यहाँ पे ये विक बनी थी, यहाँ पे इसकी जो लो था 6 रुपए 50 पैसे, ये 6 रुपए 54 पैसे तक इसकी नेक लाइन सपोर्ट है ये वाली जो है, और ये इसकी नेक लाइन सपोर्ट, यहाँ से समझ लें एक तरह से ये एरिया ऑफ वैल्यू है, इसके नीचे अगर ये क्लोज होता है तो फिर ये मजीद नीचे दिखा सकता है, 6 रुपए 55 पैसे के अराउंड जो है इसकी सपोर्ट है, अगर ये नीचे को एक कैंडल बनती है, ये पैसे बनी भी थी यहाँ पे 6 रुपए 29 पैसे पे यहाँ पे देखें, लेकिन यहाँ इसको निगेट किया बेरिश कैंडल ने, तो हो सकता है कि ये वाला एरिया एक ये विक वाला एरिया हो, पॉसिबल है देखें यहाँ पे, और यहाँ पे ये इसकी कंफर्मेशन भी हो सकती है बेरिश कैंडल की, या निगेशन भी हो सकती है, तो एक्चुअली हम ये वाला एरिया ले लेंगे सॉरी इसको हम अभी डील कर, ये एरिया ऑफ वैल्यू है 6.55 से लेके 6.25 तक, ठीक है, डेली पे, वीकली पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये इस वक्त हमारा एरिया ऑफ वैल्यू है, इसको भी आने वाले दिनों में ये हो सकता है रिटेस्ट करे, वैसे इसके पास जब से ये हॉलमार्क इसकी जो सब्सिडियरी है टेलीकार्ड की, इसको उसने सुपरनेट सेल किया जब से इसकी काफी ये काफी लाइमलाइट में रहा, उस वक्त तो ये भी मुझे मेरे भी ये अजम्पशन ये था कि इसने सुपरनेट बेचा है तो जाहिर सी बात है ये अपसाइड में मूवमेंट दिखाएगा, वर्किंग कैपिटल इसके पास हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है इसके पास खबर, लेकिन हॉलमार्क भी इसकी सब्सिडियरी है, एक्चुअली इसने एक सब्सिडियरी को दूसरी सब्सिडियरी को सेल कर दिया है, वैसे तो इसकी काफी सब्सिडियरीज हैं और इनके जो जो अलायंस कंपनी है वो भी काफी है, तो वो फिर इंशाल्लाह वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो इन इन शॉर्ट के ये इसको लेके एक्यूमुलेट करके रखना चाहिए, आगे जाके इंशाल्लाह ये अच्छी मूव दे सकता है, कोई भी अच्छी खबर इसके हवाले आ सकती है, आईटी की तो आपको पता है काफी अच्छा काम चल रहा है, 2020 जब ये कोविड का दौर था इसमें आईटी ने बड़ा बूम दिखाया, उसमें बड़ा बूस्ट आया उनकी सेल्स में, और अभी तक ये कंटिन्यू है, तो अभी भी देखें तो ये आईटी में बहुत कम रेट में मिल रहा है, बाकी दूसरे एलियन वगैरह ऑक्टोपस जो इससे रिलेटेड है सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में, वो उनके रेट अभी काफी हाई हैं, इनमें ये सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में काफी कम प्राइस में मिल रहा है, ये सुपरनेट का काम भी यही जो है सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन का ही है, और इनकी एक और भी फिनिक्स के नाम से है, वो केटर करती है जो यूएई कंट्रीज हैं उनके क्लाइंट्स को, तो अच्छा है इसमें लेना चाहिए, कुछ ना कुछ इसमें आगे जाके कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन इसके हवाले से आती है तो इसमें हम आगे अपसाइड दे सकते हैं, जिस तरह ये एलियट वेव बनता हुआ नजर आ रहा है तो मुझे यहीं कहीं से ये सपोर्ट बनती हुई नजर आ रही है, और यहाँ से शार्प रिकवरी हम देख सकते हैं, अच्छा पहले मैंने आपके साथ जो टारगेट शेयर किए थे वो इसलिए किए, वो इस बेस पे किए थे, मैं आपको बताऊँ तो वापिस मैं लाइन चार्ट पे आ जाता हूँ, अब हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे फिबोनाची, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये देखें, यहाँ इसको हम लेंगे ये अपर साइड पे, ठीक है, और इससे फिर ये लोअर साइड, ये लोअर साइड पे हम इसका ले लेंगे, ये लो गया था 6.75 का, 10.14 के बाद इसने भी 6.75, ये हम लाइन मैं लाइन चार्ट के हिसाब से ले रहा हूँ, वैसे तो अगर आपको मैं विक बताऊं तो विक बहुत बड़ी बड़ी बनी, जैसे इसने ना 10.80 का ही किया था, और उसके बाद 6 रुपए 6 पैसे का लो भी किया था, ठीक है, तो इसको हम हटाने के लिए लाइन चार्ट का यूज करते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए, नॉइज जो है विक की वो क्लियर हो जाए, वैसे देखें जो तो क्लोजिंग ने हमको बताया था ना, क्लोजिंग इसी ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे आई थी 6.75 पे, तो ये 6.75 का एरिया बहुत अच्छा एरिया है, नीचे कोई वीक बन सकती है, इसने मैंने बताया एरिया वैल्यू के अंदर कहीं पर भी 6.55 6.25 इवन 6.25 भी दिखा सकता है, तो यहाँ पे बाय करना चाहिए, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि उसको करना चाहिए, बाय करके होल्ड करना चाहिए, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अच्छा ये परफॉर्म कर सकता है, अच्छा अब हम देखें इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है ये वाला एरिया का 9.50 का, इस तरह बता रहा था, वैसे तो अगर हम लाइन चार्ट के हिसाब से देखें अगर इसके ऊपर भी इसी तरह का कोई बनता है इस एरिया का, मतलब चले इसको हम ले लेते हैं ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास वीकली ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री आ गई, एक ये आ गया एरिया,
और एक ये एरिया आ गया, ठीक है। हमारे पास ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री भी आ गई है और एरिया ऑफ वैल्यू भी हमारे पास आ गया है, ठीक है। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी बात, तो अगर हम इसको वेट करेंगे ब्रेकआउट का, ब्रेकआउट का मतलब ये नहीं है कि इसको टच करे, टच करेंगे तो इसके ऊपर सस्टेन भी करे, ठीक है। या मतलब कहने का ये है कि अबे बेयरिश बुलिश कैंडल जो भी है बनती रहे, इसके ऊपर बनती रहे, इसके नीचे क्लोजिंग ना आए, भले यहाँ पे क्लोजिंग आ जाए या इसके नीचे वीक बन जाए, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर ही आए, ये सस्टेनेबिलिटी इसका है। तो अगला टारगेट जो होगा वो हमारा 12 रुपए 24 पैसे 25 पैसे, ये हमारा अगला टारगेट होगा, ठीक है। इसको मैं ये टारगेट का अलग से कलर दे देता हूँ, ठीक है, इसको ये कलर दे देते हैं। फिर इसके बाद इस अगला टारगेट जो होगा इसकी सस्टेनेबिलिटी के बाद, ये क्योंकि मुझे लग रहा है कि 12-27 आएगा तो फिर ये 15-64 और इवन 19 रुपए भी दिखा सकता है ये वाला, ठीक है। ये डिफरेंट टारगेट्स होंगे, इस पे मैं लिख भी देता हूँ टारगेट प्राइस जो है इसका, इसको हम यहाँ आ जाते, ये लिख देते हैं इधर हम टारगेट प्राइस, ये टारगेट प्राइस होंगे हमारे, ठीक है। इसी को क्लोन करके हम और नीचे लिख देते हैं, ये हो गए टारगेट प्राइसेस। तो अब ये इस एरिया में जो है सिर्फ पैनिक है, पैनिक में आपने माल नहीं बेचना है, बल्कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप मजीद यहाँ पे बाय कर, जिन्होंने अपर हायर साइड पे बाय किए हुए हैं वो यहाँ पे मजीद बाय कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, अच्छा स्टॉक है, इसको लेके रखना चाहिए, आगे जाके हो सकता है आपको डिविडेंड भी दे या बोनस भी दे, कुछ भी दे सकता है ये, तो इसको होल्ड, मेरा तो मशवरा ये इसको होल्ड करके रखना चाहिए। और इवन मैं समझता हूँ जैसे अभी ये आया इसके नीचे है, मैं आपको वापिस कैंडल स्टिक से बता देता हूँ कि ये इस एरिया में अच्छी मतलब यहाँ पे बाइंग बनती हुई नजर आ रही है। अगर हम वॉल्यूम देखें तो आप देखें अभी इसके वॉल्यूम बिल्कुल कम हो गए, पहले ये हायर वॉल्यूम से नीचे आ रहा था 41 मिलियन, ये वीकली का वॉल्यूम बना 18 मिलियन, अब आप देखें 8 मिलियन 10 मिलियन 7 मिलियन, अब ये कम होता जा रहा है 6 मिलियन। अब इसका मतलब ये है डोजीज भी बन रहे हैं, देखें एक तरह से ये डोजी बना है, ठीक है, इसको हम इन्वर्टेड हैमर डोजी बोल सकते हैं। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि लोअर साइड पे अगर इन्वर्टेड हैमर बनता है और इसके ऊपर भी बुलिश कैंडल बनती है तो इसकी निगेशन होती है और ये अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है, बुलिश यहाँ तक कि ये वापिस 8 रुपए 78 पैसे 75 पैसे ये दिखा सकता है। इसकी जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ये यही इसी के करीब आ रही है, जो सीपीआर का अपर बैंड है ये 8 रुपए 77 पैसे, तो आने वाले दिनों में इसको ये दिखा, यहाँ तक के आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ट्रेडर जो है ये उसकी नेक लाइन रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सेल कर सकते हैं 7.92 पे, यहाँ पे 7.92 पे, इवन ये 8.30 का भी 22 का भी हाई किया है, तो ये इसकी जो नेक लाइन रेजिस्टेंस है इसको यहाँ पे सेल कर सकते हैं ट्रेडर जो है लोअर साइड पे जिन्होंने बाय किया है। और जो इन्वेस्टर है वो होल्ड करके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो इनका टारगेट है वो 9.40 से लेके 10.12 तक होना चाहिए, और इसके बाद जो है फिर अगला टारगेट जो होगा जिस तरह मैंने आपको पहले भी शेयर किया है 12 रुपए 27 पैसे 15.64 और 18.97, मतलब राउंड फिगर में ले लेंगे 12.25 15.60 और 19 रुपए। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।